की न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, चाहे वो आंदोलन लेवल की हो, चाहे वो कृषि लेवल की हो, चाहे वो सामाजिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो। आज हम पहुँचे हैं जिला नूंह मेवात के मेन कस्बा में। मैं साथी से चाहूँगा, ये मेरे सामने गांधी पार्क है, यहाँ पे ये गांधी पार्क है इसके सामने, और गांधी पार्क के सामने ये कजारिया ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड मॉडर्न इंटरप्राइजेस का बोर्ड लगा देख रहे हैं आप। यहाँ पर कजारिया कंपनी की टाइल वगैरह सेल की जाती है, और इसके जो फाउंडर है वो है भाई पटवारी जमील जी। और जमील जी एक पटवारी पद से रिटायरमेंट होने के बाद में लगभग 2007 या 2008 में, उसके बाद में इन्होंने ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया, और अब गांव समाज ग्रामीण की या महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, ये एक बार सरपंच का इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं, अभी दोबारा से सरपंच की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या उद्देश्य लेकर के सरपंच का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। जमील जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर, मैं बीपीए न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रथम बार हमारे साथ में जुड़े हैं, तो जमील भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पटवारी कब लगे थे? वो आर से लगे थे आप जॉब में जी? 1987 में पंजाब वक्फ, 2011 तक पंजाब वक्फ बोर्ड जी। तो आप आर सी के पद पे रहे उसमें जी, जी। तो कितने साल जॉब किया आपने? 24 साल। तो रिटायरमेंट के आने के बाद में फिर आपने समाज की सेवा करने के लिए एक बार इलेक्शन भी लड़ाया शायद सरपंच का जी जी। हाँ, तो अब की बार अब एक महीने के बाद में लगभग इलेक्शन होना ग्राम पंचायत को, क्या मन बनाया आपने? इस बार भी इलेक्शन लड़ने का इरादा है। इलेक्शन लड़ने का इरादा है? तो देखिए, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि भाई जमील जी जो है चंदेनी गांव से बिलोंग करते हैं, और मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी का ये पैतृक गाँव है, जहाँ से हमारे चौधरी जाकिर हुसैन जी MLA रहे हैं, और हरियाणा में नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में उनकी इस परिवार को जानते हैं। और यासीन मेव डिग्री कॉलेज जो बना हुआ है वो हमारे शाहपुर नंगले गांव से, जो 50 इस्लामिक शहीद हुए थे जिनको फांसी पर लटका दिया था ब्रिटिश सरकार ने, वो गांव भी इसी नूह की जड़ में ही है। तो पटवारी साहब, ये जो आप सरपंच का इलेक्शन अभी आप लड़ रहे हैं, किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं, क्या क्या लेके चल रहे हैं आप? समाज के लिए कोई बेहतर काम हो जाए जी, समाज में एकता, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे जी, और खास तौर पे महिला सशक्तिकरण जी। महिला तभी सशक्त होगी जब उनमें एजुकेशन होगी। एजुकेशन 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 का ग्राफ बढ़ेगा तभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा जी। महिलाओं को एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, उसको बढ़ावा देंगे जी। समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई है उन पर रोक लगाना जी, समाज को अच्छे रास्ते की तरफ अग्रसर करना जी, यही। हाँ, तो जमील भाई थोड़ा सा मैं चैनल के सामने एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपके सामने। लगभग आप एक बिजनेसमैन होने से पहले या एक एक्स सर्विसमैन होने से पहले आप एक किसान के बेटे हैं जी, और आप खुद भी किसान हैं जी, जी। तो लगभग 80% हमारे जो भारतीय जनता है वो किसानी पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। तो लगभग 80 दिन हो गए हैं, और जो किसानों के साथ जो ये सरकार जो कर रही है, जो ये भेदभाव हो रहा है, सरकार का जो ये रवैया चल रहा जो किसानों के साथ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है किसानों के प्रति। जब वो किसानों के लिए कोई कानून बना रहे हैं, किसानों के भलाई के लिए अगर वो बना रहे हैं, वो किसानों को पसंद नहीं है, वो रास नहीं आ रहा किसानों को, 80 दिन से एजुकेशन जी, 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 जी। तो वो कानून बनाने की क्या जरूरत है सरकार को वो कानून नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें सरकार की इसको अधर्मिता कहेंगे? बिल्कुल, ये हिटलर शाही है गवर्नमेंट की, और ये नहीं होनी चाहिए। ये कृषि प्रधान देश है जी, और इसमें किसानों की बात, किसान पहले किसान देश का अन्नदाता है। बिल्कुल अन्नदाता है जी, किसानों से ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही है जी, किसानों से ही
रोजी रोटी चल रही है, इसलिए किसानों को इतना परेशान ना किया जाए। जी, दूसरा जमील भाई, आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या प्रकार जवाब? मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/5/63। 22/5/63, 22 मई 63। जी जी। तो बड़े बुजुर्गों से आपने भी सुना होगा कभी, क्या मेरे ख्याल से ऐसा अत्याचार किसानों पे जैसा अब हो रहा है, ऐसा मुगलों के टाइम में भी नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार में भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, इस सरकार में जितना शोषण अत्याचार शोषण किसानों के साथ कभी सुनने में भी नहीं मिला। जी। और किसानों ने जब भी किसी कानून के खिलाफ इस तरह से आवाज उठाई है तो उनकी बात मानी गई है, और ये सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पर है। जी जी जी। और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल से पंजाब में शायद निकाय के चुनाव हुई है, तो उसमें रिजल्ट भी मिल गया होगा शायद, कि उधर क्या रिजल्ट हुआ है? सफाया हो गया ना बीजेपी। तो देखिए, मैं बीटी न्यूज चैनल की माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, MLA हो, ये जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। फ्राउन ने भी घमंड किया था, ये फ्राउन वाला हाल हो रहा, हिटलर ने भी घमंड किया था, वो खाली हाथ गया था। तो भारत सरकार को कम से कम समझ जाना चाहिए, 200 किसान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके परिवारों की बद्दुआएं लग रही हैं, हजारों लाखों किसान सड़कों पर मजबूर है, बीमारी में पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े हुए हैं, तो भारत सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। और जो जमील भाई ने बताया, तो जमील भाई एक मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कुछ दिन पहले किसी चैनल ने हिंदू में एकता भाईचारे को खराब करने की कोशिश की, वो डिबेट आपने भी देखी होगी कई दिन तक, ऐसे चैनल के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, ये गोदी मीडिया में दुष्प्रचार है जी, मेवात जैसा भाईचारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने हरियाणा का एक एक गांव एक एक जिला देखा सर्विस के दौरान, जितना भाईचारा, जितना वीकर सेक्शन को यहाँ सम्मान देते हैं, यस, जितने छोटे तबके को यहाँ सम्मान देते हैं शायद कहीं नहीं देते। यहाँ एक अपनापन है, यहाँ जात पात का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे SC है चाहे SC है, जी, बिल्कुल, ये सारे यहाँ मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, और मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, राजा भरत सिंह, भरतपुर के राजा सूरजमल जी जब दिल्ली पे चढ़ाई करते थे तो इस मेवात की ही आर्मी को लेके साथ चलते थे, और आज भरतपुर के किले में जो दिल्ली के लाल किले का एक दरवाजा है, जो मुगलों के टाइम का है, वो राजा भरत सिंह के आज भी लाल किला में एक दरवाजा रखा हुआ है। तो मेवात वीर कौम भी है, देशभक्त भी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। और मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि मेवात की ही शान है जो दिल्ली के अंदर 30,000 कोर्ट जो बना हुआ है, 30,000 उलेमाओं को कत्लेआम कर दिया गया था, उनकी यादाश्त के लिए, उनकी अमरता के लिए इस कोर्ट को 30,000 इनाम दिया गया था। सेम वही चीज शाहपुर नंगली, जो बिल्कुल नूह की तलहटी में बसता है, शाहपुर नंगली के 1858 की क्रांति में 50 मुसलमान वीरों को फांसी पर लटका दिया गया था। और मेरे सभी दर्शक जानते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जब फांसी लगी, उनमें अशफाकुल्ला खान भी था। मैं यह बता देना चाहता हूं, माता सावित्री बाई फुले जब प्रथम भारत की महिला शिक्षित महिला माता सावित्री बाई फुले जब स्कूल खोलना चाहती थी, और जब देवदासियों के लिए एक आश्रम बनाना चाहती थी, महिला आश्रम बनाना चाहती थी, तो बेगम फातिमा शेख ने उनको सहयोग दिया था, बाकी मनुवादियों ने या हिंदू राष्ट्रवादियों ने नहीं दिया था। मैं आपको जी मेवात जो है उसकी देशभक्ति का परिणाम जी ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ जी बढ़ चढ़ के ये इलाका लड़ा लड़ा, आज भी कई गांव, बहुत से गांव हैं जो कच्चे पर हैं जी, जिनकी संपत्तियां जप्त हो गई जी जी जी। मुगलों के खिलाफ ये लड़े जी, ये तो बिल्कुल राष्ट्रभक्त और देशभक्त बिल्कुल कौम है ये इलाका, ये कौम सच्चाई सच्चाई, और बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए जी, और उनके जुल्म सितम के शिकार हुए जी, सरेआम फांसी पे शाहपुर नंगली में लटका दिया गया जी, जवानों को लटकाया गया जी।
इन्होंने लेकिन अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई इस इलाके ने, और आज भी किसानों की हित की जहां बात है मेवा पूरी तरह से किसानों के साथ। ये इतना ही, धन्यवाद आपका बीपी न्यूज चैनल पर जुड़ने के लिए जमील भाई। आपका दिन शुभ रहे, आपका ये नववर्ष शुभ संकेत लेके आए, इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम पर बहुत हरियाणा।